कंपटीशन हो रहा है जैसा सर पे। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल और हेलो, आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। और यार इंडिया के फेस्टिवल्स की बात करें तो बहुत ही प्यारे प्यारे फेस्टिवल्स होते हैं, जिनमें से होली है, रक्षाबंधन है, गणेश चतुर्थी है और एक बहुत प्यारे प्यारे फेस्टिवल्स हैं। सो उनमें से एक है दही हांडी, जिसके बारे में आप लोग कह रहे थे कि यार वो सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के हांडी तोड़ते हैं ना। बिल्कुल वही वाला है, तो 19 अगस्त को आ रहा है, करीब है बिल्कुल। और मुझे एक भाई का मैसेज आया कि यार आप उस पर कोई वीडियो देखें, तो अभी तो हमारे पास कोई पुरानी दही हांडी की वीडियो है जो कि काफ़ी पुरानी है, लेकिन हम देखेंगे कि किस तरह से वो होता है। जब दही हांडी करीब होगी तो हम उससे रिलेट नई वाली जो 2022 में हो रही उसकी भी वीडियो आपके लिए लाएंगे। सो इसको देख लेते हैं। एग्जैक्ट हमें ये तो पता है कि बहुत सारे लोग एक बंदा उनमें से ऊपर जाता है और वो हांडी को फोड़ता है। इसमें बैलेंस करना होता है ना, वो भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। लेकिन इसके पीछे ये क्यों होता है, इसके पीछे सारी वो स्टोरी होती है कि क्यों ये होता है, तो वो हमें नहीं पता एग्जैक्ट ना। तो बहरहाल इसको देख लेते हैं। और जिस चैनल से वीडियो हमारे पास है, इस चैनल का नाम है एन इंडियन वॉइस। इनके चैनल का नाम, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे चेकआउट करो। ये वीडियो देखने के बाद करेंगे आपसे डिस्कशन, स्टे होता है। Indian festival called Gokulakshmi celebrates the birth of Lord Krishna. Dahi handi. Dahi curd handi urdan. Acha. ये पूरा वो देखो सारा ग्रुप जा रहा है। अच्छा कोई एक पर्टिकुलर प्लेस होती होगी जहां पे ना। ओए बहुत बंदा है। इनमें से जो पहले शायद तोड़ेगा। हाँ नहीं, एक बंदा ऊपर जाता है। अच्छा बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। लगी भी होगी यार, जाहिर है। ओए होए ओए होए, फर्स्ट एड लगी होगी। देखो ना दो ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं ना, वही कह रहा हूं जो शायद सबसे कंपटीशन हो रहा है सर पे। ओए होए लग गई है, देखा था वो बिल्कुल घोषता बंदा। ओए होए ओए सर पे यार वजन पड़ता है। हाँ ओए अच्छा रिवार्ड भी मिला है कोई या नहीं। वो भी देखा था बच्चा क्या कर रहा था, डीजे भी है। Based on the legend of child god Krishna stealing butter, it involves making a human pyramid and breaking on earthen pot filled with curd. Okay, यार सब कुछ हमें बताया है इन्होंने कि एक इंडियन फेस्टिवल है जिसको कहते हैं गोकुलाष्टमी, जो कि बर्थ सेलिब्रेट करता है लॉर्ड कृष्णा का। और एंड में हमें ये भी बताया गया है कि ये जो चाइल्ड लॉर्ड कृष्णा थे ना, जब वो बटर को स्टील करते थे, तो ये उसी लिए किया गया है कि लोग एक पिरामिड बनाते हैं और ऊपर जाते हैं
उसको फोड़ते मटकी को फोड़ते हैं, उसमें दही होता है। अच्छा यार, मैं देख रही थी ग्रुप्स पे, ग्रुप्स पे काफी लोग जिस तरह गिरे हैं, चोट हाँ। लगी, बहुत मुश्किल होता है कंधों पे सर अच्छा, चढ़ के हाँ, दो ग्रुप्स। अच्छा देखने में कितना आसान लगता है, लेकिन जो कर रहे हैं ना, एक पूरा पिरामिड बनाना, एक दूसरे के कंधे पे चढ़ना, और कितनी देर तक, जब तक एक बंदा ऊपर नहीं चढ़ जाता, फिर कितनी बार गिरे, उनको फर्स्ट एड मिला, एक तो बिल्कुल बेहोश था। अच्छा लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे, फिर आ रहे हैं, और किसी ने पैर पे लिफाफा बांध लिया, बच्चे भी हैं, और जो क्राउड है वो बड़ा प्यारा है, और बाद में डीजे भी वहां पे थे, फिर और भी एंटरटेनमेंट थी, काफी तरह से फेस्टिवल हाँ। फिर से वेट और अलग अलग कलर्स के ग्रुप्स थे, एक ऑरेंज जिस तरह था, एक मुझे थोड़ा बहुत पता है, फिल्म्स वगैरह में भी देखा है, कुछ ग्रुप्स होते हैं जो सबसे पहले मटकी फोड़ेगा, अच्छा सबसे पहले करना होता है। और दूसरा ये कि एक जज्बा जो मैं उनमें देख रहा हूँ, एक प्यार जो मैं देख रहा हूँ, जिस प्यार से वो जाते हैं, और वो एक जब जैसी वो एक खुशी मिलती है ना उनके चेहरे पर मटकी फोड़ने से, वो लाजवाब है। और बहुत मुश्किल है, पता नहीं कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे होते, लेकिन कितना प्यारा फेस्टिवल है, कि एक आपको एक चार्म रहता है कि यार हमारा ये फेस्टिवल आ रहा है, तो हम तैयार रहे, हमने ये चीज करनी है, और एक मजा है, एक उसमें चार्म है। आप बताएं आपको कितनी एक्साइटमेंट है, और किसने ये एक्सपीरियंस करके देखा है या अपने सामने देखा है होते हुए, और कितना अच्छा लगता है आपको, ये जरूर बताइएगा। लेटेस्ट जो दही हांडी आ रहा है उस पर भी हम जरूर एक्शन देंगे, काफी कुछ पता चला हमें दही हांडी के हवाले से। अगर इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमारे ब्लॉग से जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले फॉर लेटेस्ट स्टोरीज, फोटोज एंड अपडेट्स के लिए। इस दिन आपके लिए नए नए रिएक्शन लाते रहेंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।